हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ साउथ की टॉप 7 सबसे बेहतरीन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर पर बनी फिल्में, जो हिंदी में डब होकर यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है। दोस्तों, क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी ऐसे होती है जो हमारे दिमाग को हिलाकर रख देती है। दोस्तों, अगर आप लोग क्राइम सस्पेंस थ्रिलर के साथ साथ हॉरर मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखने के शौकीन है तो ये टॉप 7 लिस्ट आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो सकती है। और सभी मूवीज हिंदी में डब होकर यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अगर पुराने हो तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 7 पर है साल 2023 में रिलीज हुई पॉलिटिकल ड्रामा कॉमेडी थ्रिलर मूवी मार्टिन थुलर किंग, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी को 58% गूगल यूजर ने पसंद किया है। दोस्तों, ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है। इस मूवी को हिंदी में सेम नाम से डब की गई है। इस मूवी के लीड रोल में नजर आएंगे आपको संपूर्ण एस बाबू, सरनाया प्रदीप, महा वेंकटेश और भी बहुत सारे कलाकार। स्टोरी लाइन की बात करें तो बिना नाम या पहचान वाले व्यक्ति को मतदाता पहचान पत्र मिलने पर अचानक दो विरोधी समूह आकर्षित कर लेते हैं। क्या वो अपने विशेष अधिकारी का लाभ उठाएगा या फिर इसे सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उदाहरण के रूप में उपयोग करेगा। तो दोस्तों, आगे की कहानी में क्या होने वाला है, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों, ये मूवी हिंदी में डब होकर यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 6 पर है साल 2022 में रिलीज हुई ड्रामा क्राइम थ्रिलर मूवी सिया, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी को 59% गूगल यूजर ने पसंद किया है। दोस्तों, ये एक हिंदी बॉलीवुड की मूवी है। इस मूवी के लीड रोल में नजर आएंगे आपको विनीत कुमार सिंह, पूजा पांडे, रोहित पाठक और भी बहुत सारे कलाकार। स्टोरी लाइन की बात करें तो एक छोटे शहर की लड़की सिया, जो सभी बाधाओं से लड़ते हुए न्याय के लिए लड़ने का फैसला करती है और दुष्ट व्यवस्था के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करती है। तो दोस्तों, आगे की कहानी में आपको क्या क्या ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलता है, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 5 पर है साल 2023 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर मूवी 9/11 PM, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी को 55% गूगल यूजर ने पसंद किया है। दोस्तों, एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है। इस मूवी को हिंदी में सेम नाम से डब की गई है। इस मूवी के लीड रोल में नजर आएंगे आपको टेस वालास, दीपिका रेड्डी, भारत रेड्डी, साहस पगडला और भी बहुत सारे कलाकार। स्टोरी लाइन की बात करें तो शाम 7:11 बजे होने वाली एक घटना हमसाला देवी नगर शहर और प्रोक्सीमा EB12 नामक ग्रह की किस्मत बदल देती है। रवि एक आपराधिक मास्टरमाइंड को रोकने और प्रियजनों और अपने प्यारे शहर को बचाने के लिए समय के माध्यम से यात्रा करता है। तो दोस्तों, आगे की कहानी में आपको क्या क्या ट्विस्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आप लोगों को साइंस फिक्शन मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आपको एक बार जरूर एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, ये मूवी हिंदी में डब होकर यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 4 पर है साल 2023 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी ठग, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी को 63% गूगल यूजर ने पसंद किया है। दोस्तों, एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है। इस मूवी को हिंदी में सेम नाम से डब की गई है। इस मूवी के लीड रोल में नजर आएंगे आपको बॉबी सिम्हा, अनसवरा राजन, हिरिदु हारून और भी बहुत सारे कलाकार। स्टोरी लाइन की बात करें तो सीतू को नगर कोयल की जिला जेल में दूसरी डिग्री की हत्या के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है। अपने पहले दिन वो कैदियों की एक समूह द्वारा भागने की योजना को विफल करने में जेल प्रहरियों की सफलतापूर्वक मदद करता है। नतीजा हेड वार्डन दोष उसका पक्ष लेता है। हालांकि वो लगातार उस ग्रह से परेशान है जिसकी योजना उसने खराब कर दी थी, तो वो भागने का फैसला करता है। तो दोस्तों, सेतु जेल से भागने में विफल होगा या फिर सफल, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों, ये मूवी हिंदी में डब होकर यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 3 पर है साल 2020 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी जेंटलमैन, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी को 93% गूगल यूजर ने पसंद किया है। दोस्तों, एक कन्नड़ लैंग्वेज की मूवी है। इस मूवी को हिंदी में सेम नाम से डब की गई है। इस मूवी के लीड रोल में नजर आएंगे आपको
सजवाल देवराज, निजविका नायडू, संचारी विजय और भी बहुत सारे कलाकार। स्टोरी लाइन की बात करें तो भारत कुमार एक स्लीपिंग डिसऑर्डर की बीमारी से जूझ रहे हैं। एक व्यक्तिगत त्रासदी उसका इंतजार कर रही है और वो एक खूबसूरत डाइटिशियन के प्यार में पड़ जाता है, लेकिन उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आगे की कहानी में क्या होता है, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों, ये मूवी हिंदी में डब होकर यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 2 पर है साल 2021 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी जेल, जिसे IMDb की तरफ से 4.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी को 70% गूगल यूजर ने पसंद किया है। दोस्तों, एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है। इस मूवी को हिंदी में सेम नाम से डब की गई है। इस मूवी के लीड रोल में नजर आएंगे आपको GB प्रकाश कुमार, अवरनाथ, राधिका, शरद कुमार और भी बहुत सारे कलाकार। स्टोरी लाइन की बात करें तो पूर्णवास की आर में बचपन के 3 दोस्तों को उसके गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। जेल को नई वास्तविकता में समायोजित करने के अलावा उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा और जीवी को उपार्जन के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों, आगे की मूवी में क्या होने वाला है, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों, ये मूवी हिंदी में डब होकर यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 1 पर है साल 2018 में रिलीज हुई मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी वेनिला, जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, एक कन्नड़ लैंग्वेज की मूवी है। इस मूवी को हिंदी में सेम नाम से डब की गई है। इस मूवी के लीड रोल में नजर आएंगे आपको मल्लिकार्जुन देवरामन, स्वाति कोंडे, अभिनाश और भी बहुत सारे कलाकार। स्टोरी लाइन की बात करें तो बचपन के दोस्त अभिनाश और स्वाति लंबे समय के बाद फिर से मिलते हैं, लेकिन एक लड़की की हत्या के बाद स्वाति रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। मामले को अपने हाथ में लेते हुए अभिनाश स्वाति की तलाश करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आगे की कहानी में आपको क्या क्या ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलता है, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों, ये मूवी हिंदी में डब होकर यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी टॉप 7 अमेजिंग मूवी। अगर आप सबने इन सभी मूवी को नहीं देखा है तो एक बार इन सभी मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, दिए गए जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।